आप सभी का केवाई टॉक्स के इस नए एपिसोड पर। आज हम बात करेंगे उलगुलान फाउंडेशन के फाउंडर्स से। उलगुलान मीनिंग रेवोल्यूशन, ये फाउंडेशन की शुरुआत की थी नितेश भारद्वाज, राकेश पावरा और अर्जुन पावरा ने मिलकर। इनका बेस महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला में है, जहाँ के लोकल्स है राकेश और अर्जुन। नंदुरबार इज कॉल्ड अ लैंड ऑफ ट्राइबल्स, लैंड ऑफ ट्राइबल्स के नाम से जाना जाता है, ट्राइबल्स यानी आदिवासी समूह। 2017 में आदिवासी जन जागृति से पहल हुई थी उलगुलान फाउंडेशन की। इस पहल द्वारा इनका मिशन है लोकल लोगों को अपने राइट्स और सरकार से मिलने वाले स्कीम्स के बारे में जागरूक करना, झूठी और आधी न्यूज को लोगों तक पहुंचने से रोकना, ट्राइबल डेवलपमेंट, सोशल अवेयरनेस और सस्टेनेबल लाइवलीहुड यानी स्थायी आजीविका उपलब्ध करवाना इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नंदुरबार, ये आदिवासी जन जागृति का मुख्य उद्देश्य है। हाइपर लोकल जर्नलिज्म का उम्दा एग्जाम्पल है उलगुलान फाउंडेशन। ये लोकल वॉलंटियर्स के साथ मिलके सोशल कॉजेस पर अवेयरनेस वीडियोस बनाते हैं अपने मोबाइल फोन्स पर। ऐसे ही इनके कुछ वीडियोस काफी वायरल भी हो चुके हैं और यूएन ने यानी यूनाइटेड नेशंस ने अपने 50 मोस्ट इनोवेटिव इनिशिएटिव्स के लिस्ट में उलगुलान फाउंडेशन को रिकॉग्नाइज भी किया है। दे आर चेंजिंग लाइव्स वन वीडियो एट अ टाइम, जानते हैं और स्ट्रेट फ्रॉम द फाउंडर्स देमसेल्फ। हेलो नितेश जी, हेलो अर्जुन जी और हेलो राकेश जी, वेलकम टू केवाई टॉक्स। हेलो। तो सबसे पहले तो ये जानना बनता है कि आप तीनों मिले कैसे। अब मुझे ये पता है कि राकेश जी और अर्जुन जी नंदुरबार के लोकल्स हैं, बट नितेश वो वॉज न्यू नंदुरबार के लिए, वो काफी न्यू थे। तो आप तीनों मिले कैसे और ये उलगुलान की शुरुआत कैसे हुई, राकेश जी आप बताएंगे हमें? हाँ, नितेश भारद्वाज सर से हमारी मुलाकात चाय पे हुई थी धड़गांव में। उस टाइम नितेश भारद्वाज सर SBI फेलोशिप के तहत आए थे दड़गांव में। तो शाम को हम जहाँ हम चाय पीते हैं वहाँ मैं चाय पीने गया, वहाँ नितेश सर और कृषानु पन्ना करके एक और उनके साथी थे, उनके साथ ये चाय पी रहे थे और हिंदी में बात कर रहे थे। मैंने सोचा कि हिंदी में बात करें तो कहीं बाहर से ही आए होंगे, मैंने पूछा कहाँ से हो ऐसा। तो फिर हर रोज हमारी मुलाकात चाय पे होने लगी और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी, इसी से हमारी पहली मुलाकात चाय पे ही हुई। और नितेश, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन नंदुरबार एंड मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट उलगुलान फाउंडेशन विद दीज लोकल्स? इनके साथ आपको उलगुलान फाउंडेशन करने का मन या मोटिवेशन कहाँ से मिला? ओके, सो जैसा राकेश भाई ने बताया कि मैं SBI फेलोशिप के थ्रू गया था, धड़गांव ब्लॉक है नंदुरबार में वहां पर। जब मैं वहां गया था 2016 अगस्त में मैं वहां गया था, तो आई स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर देयर। कॉलेज वहां एक पेक है, उन कॉलेज के बच्चों के साथ में हमने एक न्यूज़पेपर शुरू किया। आइडिया ये था कि नंदुरबार में कम्युनिकेशन गैप बहुत हाई है, इन्फॉर्मेशन पॉवर्टी है बहुत ज्यादा, स्कीम्स है बट स्कीम्स का बेनिफिट कैसे उठाया जाए ये इसकी जानकारी काफी कम है। न्यूज़पेपर्स की रीच नहीं है, टेलीविजन नहीं है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की बहुत किल्लत है वहां पे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। इस का जो सॉल्यूशन हो सकता था वो हो सकता था हाइपर लोकल जर्नलिज्म। तो पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई, बट न्यूज़पेपर की अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो उस लिमिटेशन को कैसे हटाया जाए, और इसका आइडिया भी राकेश भाई अर्जुन भाई की तरफ से आया कि हम फिल्म्स बना सकते हैं यानी। एंड बात यही हुई कि हम खाने पे बातचीत कर रहे थे और राकेश भाई ने कहा कि क्या हम फिल्म बना सकते हैं क्या, और मैंने उनसे कहा कि हाँ मोबाइल पर हम एक फिल्म बना सकते हैं। एंड इसी से आइडिया ग्रो हुआ कि हम फिल्म्स बनाते हैं। शॉर्ट फिल्म हमने बनाई। शुरुआत में कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि हम अवेयरनेस क्रिएट करने वाले हैं या कुछ है कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देंगे, बट ये धीरे धीरे होता चला गया, इसका बेनिफिट हमें दिखता चला गया और फिर हमने इसको आगे बढ़ाते चले गए। और 2019 में हमने फाइनली इसको एज अ सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करवाया और उलगुलान के नाम से, जैसा आपने पहले बता दिया है, और आदिवासी जनजागृति को हमने उसपे एज अ प्रोजेक्ट रखा। तो मैं अर्जुन जी से भी जानना चाहूंगी, अर्जुन जी आप म्यूट पर हो, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको मतलब मैं ये क्वेश्चन तीनों के लिए है बट मैं अर्जुन जी से जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या है जिससे वो एक किक मिलती है कि आपको समझ आता है, दिन के दिन जब खत्म होता है तब आपको लगता है कि नहीं आप सही कर रहे हो, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, क्योंकि आपको दिखता है कि उससे कितना अच्छा हो रहा है लोगों का। तो आप हमें बताइए कि ऐसा क्या है जिससे आपको किक मिलती है। तो जब हमने आदिवासी जनजागृति प्रोजेक्ट शुरू की तब हमें ये नहीं लग रहा था कि भाई हम इतना जागे आके जाके ये काम आगे बढ़ेगा, पर यहाँ की जो लोकल समस्या देखी थी हमने और उस पर बात भी की थी, तो हमें लग रहा था कि भाई हम इस पे काम करना चाहिए। तो ग्राउंड पे जाके
काम शुरू कर दिया। और जब से आदिवासी जनजागृति प्रोजेक्ट शुरू किया तब से मैं ग्राउंड पे ही काम कर रहा हूँ। हर जगह पे कोई ना कोई समस्या होती, लोग बुलाते तो ग्राउंड पर मैं खुद से ही चला जाता था। तो यहाँ आमखेड़ी आप उलगुलान फाउंडेशन के फेस हो। जी हाँ, फेस की तरह ही काम हो रहा है। और उलगुलान फाउंडेशन को जितनी पहचान है, आदिवासी जनजागृति को जितनी पहचान है, उतने आज अर्जुन पावरा करके मुझे भी पहचानते हैं। तो ग्राउंड पे जाता हूँ तो यहाँ एक जो हमने काम किया था आमखेड़ी गांव करके, जहाँ समस्या थी और आज भी है काफी, 2-3 सालों से यहाँ दड़गांव से 3-4 किलोमीटर पर भी गांव नहीं है, फिर भी बड़ी समस्या था। अभी वहीं से आ रहा हूँ मैं मीटिंग के लिए। तो पानी की समस्या बहुत ज्यादा था। आमखेड़ी के गांव के लोगों ने हमें बुलाया था तो वहां जाके हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जहाँ वीडियोस बनाए, लोगों से बात की, वहां पानी किस तरह भरते वो देखा। तो वहां इतनी दिक्कत थी पानी की, अपनी जान पे खेल के नीचे खाई में उतरे, वहां से पानी भर के ऊपर आ रहे, बहुत बुरी हालत थी वहां पे। तो छोटे छोटे बच्चों से लेकर तो बड़े बूढ़े तक की वहां पानी लेने के लिए जाते, पानी के सिवा कुछ चलता ही नहीं, तो जाना तो पड़ता ही था। तो अपनी जान की परवाह किए बिना वहां उतरते पानी लाते। तो वो सारा चीज हमने शूट किया और वहां हमारे टीम मेंबर के साथ मैं खुद गया और वहां देखने के बाद हमने वहां वीडियो शूट किए और जिसको काफी लोगों ने पसंद भी किया और वो वीडियो वायरल भी हुई। आज के तारीख पे बताया जाए तो वहां 6 बोरवेल का काम हुआ है और जहां रास्ते का काम भी शुरू कर चुके आपके वीडियो की वजह से। वीडियो की वजह से तो यही काम है और यही जो इम्पैक्ट है, इस इम्पैक्ट की वजह से हमें जो आदिवासी जनजागृति प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए किक मिलते हैं, तो यही सेटिस्फेक्शन होता है कि लोगों के लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं, यही हमारे लिए किक की काम की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि आप लोकल लोगों तक तो उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस भी बना ही रहे हो, उनको अपने राइट्स के बारे में जागरूक कर ही रहे हो, बट आप दुनिया को भी बता रहे हो कि नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी है जो आप सिर्फ गवर्नमेंट तक नहीं तो दुनिया तक पहुंचा रहे हो। एंड जब ऐसे अवेयरनेस होता है ना, जब लोगों को पता चलता है ना कि यार ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे भी प्रॉब्लम्स है, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है बट यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम है, तो तभी लोग भी थोड़ा सा पुश तो दे ही देते हैं राइट डेवलपमेंट के लिए। तो मैं और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे आपने शुरुआत की होगी उलगुलान फाउंडेशन की, आदिवासी जनजागृति प्रोजेक्ट की, ऐसे कोई कोई बाधाएं आई होंगी, कोई कोई प्रॉब्लम्स आए होंगे जिनके वजह से शायद जैसे आपने प्लान किया हो वैसे प्लान आपका चल नहीं पाया हो, आपको थोड़े चेंजेस करने, तो ऐसी कौन सी बाधाएं आई और आपने ऐसी बाधाएं कैसे पार की? नितेश वुड यू लाइक टू राकेश भाई बोल रहे हैं। राकेश जी प्लीज। यस ओके हां सर, राकेश जी बताएं। इस सवाल का जवाब तो सारे लोग मिलके देंगे तो मजा आएगी। जरूर जरूर, हर कोई अपने अपने पॉइंट्स इसमें जरूर रख दें तो हां प्लीज। हां क्योंकि हर कोई ग्राउंड पे है तो बाधाएं तो एक तो पॉलिटिकल भी आती है और कई बाधाएं लोगों की वहां तक पहुंचने के लिए, तो जैसे राकेश भाई शुरू कर रहे हैं। बताइए राकेश जी, ऐसी कौन सी बाधाएं आई थी आपके इस सफर में और कैसे आपने उन्हें पार की? हाँ, पहले तो हमने शुरुआत में ही जैसे नितेश सर ने बताया कि हमने शॉर्ट फिल्म से ही शुरू किया था और पहले हम पथ नाट्य और ये करते थे स्ट्रीट प्लेस, और उसके बाद अलग 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 जैसे हमारे गांव में हमने 10,000 पौधे लगाए थे श्रमदान में, पूरे लोगों को इकट्ठा करके उस टाइम पे, तो अच्छी टीम थी हमारी। फिर हमने सोचा कि इसी जैसे खाने पे हमारे नितेश सर से बात हुई कि हम शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं क्या। खाना खाते खाते मेरे घर नितेश सर आए थे और खाना खा रहे थे और मूवी एक मूवी चल रही थी सनी देओल की, शायद सनी देओल की थी, तो उसमें एक दो डायलॉग थे तो उसी पे बात चल रही थी नितेश सर। अच्छा। तो नितेश सर बोले यहाँ ये चाहिए था वहाँ ये चाहिए था, तो मैंने कहा आपको तो ज्यादा पता है इसमें, हम भी बना सकते हैं क्या ऐसे ही हंसी मजाक। उन्होंने बोला हाँ बना सकते हैं, शॉर्ट मूवी तो बना ही सकते हैं। तो मुझे लगा हम कहाँ शॉर्ट मूवी बना सकते हैं यार, पर उन्होंने बोला कि हाँ बना सकते हैं, हम बना सकते हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो बनाते हैं। फिर नितेश सर ने बोला कि हमें कुछ ऐसे यूथ चाहिए होंगे 10-15 जिनको मैं ट्रेनिंग दे सकूं, तो हमने वहीं से शुरू किया। और पहले दिन नितेश सर को बोला कि हाँ हम मैं इच्छा करता हूँ 15 यूथ तो ऐसे ही हो जाएंगे, सारे सारे हमारे बच्चों को सारे को बोला कि जिसको फिल्म में काम करना है वो आ जाए करके। तो और फिल्म में काम करना सुन के तो बहुत लोग एक्साइटेड भी होंगे, हम फिल्म में काम। हाँ हाँ सब आ गए और नितेश सर ने 5 बजे शुरू किया पहले दिन,
पहले दिन उनको थोड़ा ये लगा, दूसरे दिन उन 20-21 में से हम कुछ 10-11 बच्चे होंगे लाई था वहां पे तो नितेश सर बोले नहीं होगा, मैंने कहा मैं तो सीख जाऊंगा नितेश सर हम हाँ, तो मैं ही बचा था एक नितेश सर बोले नहीं होगा। फिर नितेश सर ने कुछ एडिटिंग का वगैरह हमें दिखाया, इस तरह से एडिट करते हैं, कैमरा कैसे पकड़ना है, मोबाइल का अगर शूट करना है, तो वहां से शुरुआत हुई। फिर गांव में जाके हमने चाइल्ड लेबर पे पहली फिल्म बनाई, वो बनाने में हमें 15 दिन लग गए होंगे। उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, एक बच्चे को दिखाना था साइकिल पे, ना ही बोलते उसके कुछ नहीं, बस साउंड चलता है और दिखाना है, नीचे मैसेज लिखना है, वो 15 दिन तक। फिर उसके बाद हमने एक माझा घर माझा शौचालय का ये शूट किया था, उसमें तो एक हाँ उसमें एक बूढ़े का रोल था, एक को लेके आए हम, वो कर ही नहीं पाता था, और 6-7 दिन हो गए हम टाइम निकाल के, नितेश सर आ रहे शूट कर रहे, नहीं हो रहा नहीं हो रहा। फिर उसके बाद नितेश सर ने भी बोला कि नहीं करना है अभी, ये अपने तुम्हारे बस की भी बात है और मेरे बस की भी बात है कि आपको मैं सिखा पाऊंगा तो उस टाइम पे फिर तो भी हमें लगता था कि नहीं नहीं फिल्म तो बननी चाहिए, इतने दिन हमने ये किया है, करते है करते है करके। फिर एक काका मिले हमें, बीके काका करके, वो रिटायर टीचर थे, उनसे बात की कि आप रोल कर पाएंगे, तो पीछे हाँ टीचर ने, उन्होंने इतना अच्छा रोल कर दिया, एक ही शॉट में सब दे दिया, तो वहां से हमारी शुरुआत हो गई फिल्म की। तो आप सब और सिर्फ सोशल एंटरप्रेन्योर्स नहीं, आप सब सिर्फ सोशल एंटरप्रेन्योर्स नहीं हो, आप मूवी मेकर्स भी हो जी हाँ, तो वहां से ही शुरुआत होगा। मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा कि जैसे राकेश भाई ने बताया, तो जो आपने चैलेंजेस जो आपने सवाल जो आपने किया था कि चैलेंजेस क्या है, सो एक्चुअली यहीं से हमारा चैलेंज ही शुरू हुआ है कि सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट पर्सन, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज, कास्टिंग हाँ कास्टिंग, या फिर ये कहिए कि टीम में कौन से लोग होंगे। तो सबसे पहला तो यही था कि अगर आप मैनेजमेंट के टर्म में कहिए तो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास अच्छे होने चाहिए, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके बाद उसका सही से यूटिलाइजेशन हो सके, ये नेक्स्ट चैलेंज था, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत कमी थी, तो जो भी रिसोर्स है हमारे पास उसको ज्यादा अच्छे से हम यूटिलाइज कर सके। इसके अलावा एक और जो चीज जो आपने चैलेंजेस क्योंकि कहे, तो सोशल चैलेंज, अगर ये ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंज ये था जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा सोशल चैलेंजेस बहुत सारे थे जो अभी भी हम फेस करते हैं, कि कई बार हमें कुछ टॉपिक्स को हम नहीं पकड़ सकते हैं, कुछ टॉपिक्स को हम फिलहाल नहीं टच कर सकते, कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए नहीं ले सकते हैं। कई बार पॉलिटिकल चैलेंज हो सकता है, तो हम अवॉइड करते हैं उन चीजों को भी, कोई 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 ऐसी कोई बात ना हो जो पॉलिटिकली कुछ इंस्टिगेट कर दे। अगर कुछ ऐसा आ जाए कि हम कुछ ऐसा बोलें और उसका कुछ गलत मीनिंग निकल जाए, बराबर, तो ये चैलेंजेस है। अगर मैं उसको अगर आपको शॉर्ट में अगर डिफाइन करूँ, तो अगर हम मैनेजमेंट चैलेंज कह सकते हैं, सोशल चैलेंज कह सकते हैं, पॉलिटिकल चैलेंज कह सकते हैं, इसके अलावा जो सारे सोशल एंटरप्राइज को फेस करना पड़ता है फाइनेंशियल, वो तो हमारे साथ सभी के साथ होता है, तो हमारे साथ ही है। तो ये चार मेजर हैं जो हमें चैलेंजेस, काफी फैक्टर्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट सोशल इश्यू और क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर इट, राइट। अर्जुन जी आप कुछ ऐड करना चाहोगे? तो चैलेंजेस के बारे में क्या करना चाहूंगा, क्या अभी अभी नितेश भाई ने अभी जिक्र किया था कि पॉलिटिकल हमें चैलेंजेस आते हैं, तो अभी पॉलिटिकल की बात करें, जब मैं ग्राउंड पे काम करने जाता हूँ या ग्राउंड की कुछ चीजें हो जिसे हमें शूट करना हो, हाँ, तो वहाँ बहुत सारा दबाव आ जाता है, क्योंकि अभी मान लीजिए कि वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, जब उस चीज को हम दुनिया में दिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाते, तो वहाँ लोकल लीडर को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एक तो करियर होता है वहां पे, और दूसरी ये चीज है कि उन्होंने काम किया नहीं, ये चीज बाहर दुनिया को दिखती तो उससे उनको बुरा लगता है, तो वो हर कोई कोशिश करता है जो हमें रोकने की काम करता है, जैसे कि कई बार हम पे ऊपर केस कर देना, या किसी चार लोगों को हमारा नाम बता के वहां तक पहुंचा देना, या रास्ते में रोक के जिसको हम धमकाना जैसा, ये सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस आते हैं, पर उसके सामने बस एक ही ये होता कि भाई उनका जो नहीं किया वो काम दुनिया को पता चली जाता है, इसके वजह से हमें ये चीज बहुत बार मतलब ग्राउंड पे तो बहुत बार इसको फेस करना पड़ता है, ये सबसे बड़ी चैलेंजेस होती है ग्राउंड पे काम करने की, राइट। कभी कभी कुछ पॉलिटिकल पावर्स रोक भी सकते हैं या जानबूझ के वैसे बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपना काम सही से ना कर पाओ, हो सकता है ऐसा कभी कभी। तो अभी मतलब आपको जब यूएन से रिकग्नाइजेशन मिला,
आपको उस बारे में कैसा फील हुआ? नितेश ने आपको बताया होगा कि ये कितनी बड़ी बात होती है, तो आपको कैसा लगा? आई मीन, मेरे को पता है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, शायद बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, बट फिर आपका रिएक्शन कैसा था? इसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। पहले हमारे काम के लिए छोटे मोटे न्यूज़पेपर यहाँ के लोकल जो न्यूज़पेपर उसमें छपता था, उसमें हमें इतना बड़ा आनंद मिलता था कि हम सोच नहीं सकते। और जिस बार हमारा पब्लिकेशन यूएन में होता उस दिन तो 2-3 बजे तक नींद ही नहीं आई थी कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे हम पहुंच गए। तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, जो एक लोकल दड़गांव जिस एरिया में, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में, एक तो पहले से हम पीछे है और वहां से दड़गांव सबसे ट्राइबल एरिया और यहाँ सारे पहाड़ी इलाका है सारे का सारा, और यहाँ के बच्चे कुछ काम करे वो जिसकी यूएन में जिसका छपा जा रहा है, ये खुशी तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी खुशी थी और सफलता भी सबसे बड़ी है। राइट, सो जैसे नंदुरबार पहले जाना जाता था कि यहाँ पर फर्स्ट वुमेन को आधार कार्ड मिला था, वो एक बहुत बड़ी बात थी जिसके लिए नंदुरबार जाना जाता था, तो अभी एक और अचीवमेंट ऐड हो गई है उस लिस्ट में कि यूएन से रिकग्निशन मिला है नंदुरबार के एक फाउंडेशन को जो सोशल कॉजेस पे वो। हाँ, कितनी बड़ी बात है ये। नितेश, आपने कभी सोचा था कि आप ऐसे किसी ट्राइबल एरिया में जाके कभी ये ऐसा भी कुछ करोगे, ऐसा कुछ कर दिखाओगे? आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे आप को ऐसे मानते होंगे कि आप भगवान जैसे ही आ गए उनके पास। नहीं नहीं ओके, तो ये हमारी इस पे बहुत ज्यादा हम बहुत इस पे कॉमेडी करते हैं, मैं, राकेश भाई, अर्जुन भाई, लोग इस पे बहुत कॉमेडी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। एक तो सबसे पहले क्या है कि जो भी चीजें बनी है उसमें मेरा बहुत कम रोल है, मेरा शायद एक छोटा सा पुश करने का रोल हो सकता है, बाकी उसको फॉरवर्ड करने का रोल कभी कभी नितेश को पुश बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो एक बहुत लंबी थोड़ी एक टीम है जो हर चीज को करती है। अभी बहुत से लोगों का बहुत छोटा बार ज्यादा ही पुश कर देते हैं ये तो अच्छी बात है ना, ऐसे थोड़ा सा पुश करने वाला कोई होता है तभी जाके काम होता है। तो नहीं, एक एक ये चीज है कि ऐसा एक तो ये है कि कुछ भी ऐसा नहीं है। एक हम तो अक्सर बात करते हैं, मजाक करते हैं भगवान वाली बात की। मैं हमेशा राकेश भाई को कहता हूँ कि मैं आगे और लोगों को, पहले लोग नंदुरबार में कपड़े नहीं पहनते थे, मैंने लोगों को कपड़े पहनना सिखा दिया। तो ये जो आपने कहा, ही हम अक्सर ही हम मजाक में बातें यूज करते हैं। हाँ, तो एक ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज की जो भी चीजें हैं वो यहीं से शुरू हुई हैं, तो सारी चीजें यहीं की हैं। और दूसरा कि मैं एक तरीके से थैंकफुल हो सकता हूँ क्योंकि मेरा अभी भी वही है, जब कि हम कल ही मैं नंदुरबार से आया और कल ही मैं राकेश भाई को ही बोल रहा था और अर्जुन भाई मुझे कह रहे थे कि आप यहीं पे घर बनवा लीजिए और रह लीजिए। सो मैं शायद एक बार तो ज्यादा थैंकफुल हो सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ नंदुरबार के लोग शायद मेरे लिए, क्योंकि वो कर्म भूमि है मेरे लिए नंदुरबार, तो वो शायद मेरे लिए भगवान हो सकते हैं। सो ऐसा है। और बाकी ये था, मुझे ये पता था कि क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट है और धीरे धीरे चीजें बनती चली गई भाई, कि कभी हमने सोचा नहीं था, फिल्म बनाना नहीं सोचा था, फिल्म बन गई, फिल्म से अवेयरनेस क्रिएट करना नहीं सोचा था, लेकिन ये राकेश भाई का आइडिया था कि अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। अवेयरनेस के बाद उस पर हम न्यूज बना सकते हैं, लोकल इश्यूज को उठा सकते हैं। ये ना मेरा आइडिया था, ना राकेश भाई का आइडिया था, ये अर्जुन भाई का आइडिया था कि अब इससे हम लोकल इश्यूज को उठाते हैं। तो ऐसा था कि एक छोटी सी शुरुआत हुई कि हाँ ठीक है, मैंने सिर्फ फिल्म बनाना सिखाया, फिर मैं निकल गया, राकेश भाई ने उससे अवेयरनेस क्रिएट करने का काम शुरू किया और वो निकल गए, मतलब उन्होंने अपना एक डोमेन पकड़ लिया, और अर्जुन भाई ने उसमें लोकल इश्यूज ऐड कर दिया और उन्होंने अपना डोमेन पकड़ लिया। तो इस तरीके से धीरे 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 धीरे, लेकिन एक हमें पता था कि अगर हम लगे रहेंगे तो ये जरूर बहुत आगे जाएगा, और अभी भी जा रहा है, काफी सही जा रहा है। जैसे राकेश भाई कह रहे हैं मैं बहुत पुश करता हूं, तो डेफिनेटली मैं दिन भर, हम 2-2, 3-3 बजे रात तक हम सिर्फ इसी पे डिस्कस करते हैं, एक ही वीडियो पे हम डिस्कशन करते हैं, झगड़े होते हैं, हाँ, और ये डालना है नहीं डालना, इससे क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट, हमें हमारी लगभग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में ड्रॉप कर, तो ये एक है। तो हाँ, तो भले ही सोच अर्जुन जी और राकेश जी, क्योंकि बिकॉज वो वहां के लोकल्स है, वो वहां के प्रॉब्लम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। नितेश वॉज अ मीन्स, मतलब आप, यू केम एज अ मीन्स, यू टॉट, उन्होंने आपको मूवी मेकिंग सिखाया और आपने अपना दिमाग चला के बेस्ट वे में जैसे भी शोकेस कर सकते हो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में होने वाले प्रॉब्लम्स आपने दिखा रही। तो वो मिलजुल के जब लोग काम करते हैं ना, जब किसी का आइडिया होता है, कोई मीन्स होता है, तीसरा इंसान और दिमाग लगाता है, मिलजुल के जब काम होता है ना, तो उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है और वो दिखता है आपके वीडियोस में, तभी तो यूएन ने रिकग्नाइज किया है।
तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आपने शुरुआत की थी 2017 में आदिवासी जनजागृति से, अब उस बात को हो गए ऑलमोस्ट 4-5 साल, अब आप क्या कहेंगे कि आपकी उस जर्नी, आपके उस सफर में आपने क्या सीखा? बहुत सारे लोगों तक आपने अवेयरनेस तो स्प्रेड कराई, बट आपने भी खुद कुछ सीखा होगा, तो ऐसी कौन सी बातें आपने सीखी और आप में ऐसे कौन से चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ योर जर्नी? राकेश जी आप बताइए। अभी बोला नितेश सर ने, मतलब 2017 से अभी तक हम सीख ही रहे हैं मैडम। जैसे कि हर कोई चीज, जैसे हमें, जैसे अर्जुन ने ग्राउंड रिपोर्ट किया कि वहां पानी की समस्या है, तो हमें पहले पढ़ना पड़ता था कि इस समस्या को लेकर कहां जा सकते हैं, और तो पूरा, और लोगों को सिखाना भी है हमें, क्योंकि लोगों को ही बताना है कि उनकी समस्या खुद वो सॉल्व करे इस तरह से। तो लोगों को पता नहीं था, ग्राम पंचायत ट्रिप, ग्राम पंचायत में जाना है, सरपंच से बात करनी, ग्राम सेवक से बात करनी, बस यही, आगे का कुछ पता नहीं, और उन्हें भी पता नहीं और हमें भी पता नहीं था मैम। तो हमें इसीलिए पढ़ना पढ़ते थे हम, जिस चीज के बारे में पढ़ना, अगर किसी का राशन पढ़ ले कि जीआर में क्या है, ये पूरा पढ़ के हम उसके उस पे स्टडी करके ही ये काम करते थे और लोगों को भी सिखाते थे। खुद सीखा और फिर लोगों में वो अवेयरनेस। हाँ, खुद सीखा, हाँ अवेयरनेस, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। फिर हमने ऐसे वीडियो शुरू किए बनाने, जैसे अभी वृद्ध कार्ड योजना है, पेंशन योजना है, तो उस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, किस टेबल पे जाके हमें देना है, कहाँ अर्जी करना है, ये ऐसे वीडियो बनाना शुरू कर दिए। अगर आधार कार्ड निकालना है तो कहाँ जाना है, ये भी लोगों के लिए लोकल लैंग्वेज में हमने वीडियो बनाए कि लोगों को पता चले कि कहाँ जाना है और इसकी फीस कितनी लगती है, अगर कोई फीस मांगता है तो आप कहाँ अर्जी डाल सकते हैं, ये भी लोगों को पता चल गया। मतलब जैसे अर्जुन ने बोला कि बहुत चैलेंज आते हैं, तो ये भी हमें ज्यादा चैलेंज आते थे कि हमें पढ़ना पड़ता था हर चीज। हर नितेश सर से कॉल करते, नितेश सर को बोलते, नितेश सर इसका जीआर देखिए तो डालिए, तो क्या कर सकते हैं इसपे। आंगनवाड़ी का कुछ इश्यू हुआ तो नितेश सर को हम बोलते थे कि ऐसा ऐसा इश्यू है, इस पे क्या हम कर सकते हैं, आप इसका भी लेटेस्ट जो जीआर होगा वो सेंड कीजिए, तो पहले उसको पढ़ते थे कि तो मतलब हमें, आप कितनी तो पढ़ाई सीख ही रहे मैडम, टॉपिक पर वीडियो या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप खुद कितनी पढ़ाई करते हो? हाँ, तो हम पहले पढ़ाई करते हैं कि जैसे कि मैंने जेआर की बात की, तो जैसे कोई अभी खावटी योजना आई है उस पर हमने वीडियो बनाया, तो कई सारे लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं और पूछते हैं कि कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो पहले हमें खुद पढ़ना पड़ता है क्योंकि लोगों को, और पढ़ के हम लोकल लैंग्वेज में ही, जैसे हमारा मेन यूट्यूब तो नहीं है मैम, यूट्यूब पे जो हम वीडियो डालते हैं तो ऐसे ही डालते हैं, हमारा मेन उद्देश्य तो यही है कि लोगों तक हमारी बात पहुंचे। तो यहाँ नेटवर्क का इश्यू है, हम ऐसे ही मतलब जैसे इस पे हेल्थ पे अगर कोई, जैसे कोविड के सारे वीडियो जो है हमारे, तो यहाँ के एनएम है वो दिखाते हैं, ग्राम सेवक दिखाते हैं गांव में जाके लसीकरण लेना चाहिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में है वो। जैसे सिकल सेल पे हमने लोकल लैंग्वेज में बनाया, तो लोग ग्राम पंचायत में ये हेल्थ वाले, अभी जैसे शौचालय पे हमने फिल्म बनाई थी, वो तो शौचालय की गाड़ी पे चलाते हैं लोग, नंदुरबार की जो गाड़ी है उस पे हमारे वीडियो दिखाते हैं। तो इस तरह से छोटे मोटे वीडियो भी हम चला देते हैं लोगों तक, तो पहुंचे वहां तक। और जैसे अभी वैक्सीन के लिए लोगों में अवेयरनेस करना सबको टास्क दिया गया था, जैसे एनएम ताई हो, जिला परिषद के टीचर हो, ये सारे लोग हमारे वीडियो का यूज करते हैं, वो हमारे ही वीडियो दिखाते हैं मोबाइल पे जाके, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में होता है। एडवर्टाइजमेंट्स बहुत यूजफुल होते हैं, एडवर्टाइजमेंट से आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो वैक्सीन लेने के लिए या जो भी दूसरा सोशल कॉज होगा, बट ये शायद किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि सारे लोग ये हिंदी, मराठी, इंग्लिश जो कॉमन लैंग्वेजेस है, ये एडवर्टाइजमेंट शायद समझ ना पाए, शायद उनको उनकी समझ तक वो बात पहुंच ही ना पाए जो उन एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जा रहा है। तो लोकल लैंग्वेजेस में ये एडवर्टाइजमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शायद ज्यादा लोगों ने सोचा नहीं होगा। ज्यादा तो हमें फेक न्यूज पे ज्यादा ये करना पड़ता था, फेक न्यूज जो आती है और वो ज्यादा फैल जाती थी, जैसे वैक्सीन लेने से लोग मर जाते हैं,
और हर दिन फेक न्यूज आती है। अभी अभी 2-3 दिन पहले एक फेक न्यूज आई, नीतीश सर को मैंने भेजा है कि सर इसका देखिए और कुछ मिला तो मुझे सेंड कीजिए। उसमें यह था कि अगर दोनों डोज अगर लिए है वैक्सीन के तो 2 साल में मर जाएंगे करके कुछ व्हाट्सएप पे भेज रहा, मतलब इतनी सारे फेक न्यूज आती है। तो पहले उसकी जांच करते हैं और फिर लोकल लैंग्वेज में भी, हाँ, उसके बाद वीडियो बनाना। उसके बाद अभी वैक्सीन के ऊपर ये था कि अगर वैक्सीन लेंगे तो उनकी उम्र कम हो जाती है और जिसको पहले से बीमारी है उसको ज्यादा तकलीफ होती है। तो हम क्या करते हैं, एक साइड में वो जो फेक न्यूज होती है वो चलाते हैं, एक साइड में तो डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर साहब इसमें ये कहा गया है तो आपका क्या कहना है, और वो भी लोकल लैंग्वेज में। तो लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर ने ये बोला था ये। तो मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगा, जो राकेश भाई जो आपने पूछा कि लर्निंग क्या रही, तो एक तो हमारे लिए सबसे पहले सभी का लर्निंग यही रहा है कि चाहे वो राकेश हो, चाहे वो अर्जुन हो, या चाहे वो मैं हूँ, कि हम तीनों को पढ़ना पड़ता है, तीनों को देखना पड़ता है, हम तीनों को ही सबसे पहले उसको इवैल्यूएट करना पड़ता है कि अच्छा है बुरा है। एक तो वो है जो हमें खुद को समझ में आया, दूसरा एक ये है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाते हैं, कैसे सारी चीजें बहुत बारीकी बारीकी जो चीजें होती हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि आपको फाइनेंस, आपको ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना है तो आपको रजिस्टर कैसे करना है, जो लीगल प्रोसेस है वो अभी हमें पता लगा, जो उसके जो फाइनेंशियल्स जो सारे हैं वो अभी हमें पता लगा कि आपको कब क्या करवाना है, आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट लेने हैं ये हमें नहीं पता था, आपको टीम बिल्डिंग जो पूरा आपका पूरा प्रोसेस है वो कैसे होगा, वॉलंटियर मैनेजमेंट कैसे होगा, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कैसे होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल से कैसे बात करनी है, पॉलिटिशियंस को किस तरीके से डील करना है, ये सारी चीजें, प्लस जो आपके ऑन ग्राउंड जो लोग हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ये सारे प्लस इसके अलावा कई सारी चीजें जो जो हार्ड स्किल्स हैं, अगर एडिटिंग का है तो वो, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करना है, सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से, सारी चीजें जो होती है बारीक से बारीक चीजें, बहुत छोटी से छोटी और बहुत बड़ी से बड़ी चीजों को सीखने को मिला। तो आई थिंक ये हम तीनों के साथ में है कि अगर आप 2 साल का एमबीए कोर्स करने जाए, मैं तो हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि मैं एमबीए कोर्स कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल एमबीए कोर्स कर रहा हूँ मैं, तो ऑल्दो ये थोड़ा लंबा मेरे एमबीए कोर्स जा रहा है, बट मैं ऑन ग्राउंड एमबीए भी कर रहा हूँ और मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहा हूँ। सो मेरे लिए तो एक्चुअली लर्निंग ही है पूरा का पूरा, और आई एम श्योर ये अर्जुन और राकेश भाई के लिए भी है कि हम लोग सिर्फ सीख ही रहे हैं, काम कम करते हैं, सीखते ज्यादा हैं गलतियों से। That's wonderful. तो अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए कि आप ऐसा क्या मैसेज शेयर करना चाहोगे बाहर जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है या जो आप ही जैसे युवा है जिनके पास शायद आइडिया हो सकती है अपने एरिया में या अपने आजू बाजू के मार्केट में कुछ नाम करके बताने का, कुछ इम्पोर्टेंट या यूजफुल करके दिखाने का, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज दोगे? अर्जुन आप बोलना चाहोगे? जी हाँ, इसके बारे में जो नए बच्चे आ रहे हैं सामने उनको कुछ लग रहा है कि हमें कुछ करना है, एक तो पहली बात हिम्मत करना चाहिए आगे आने की, उसके बिना हम कर ही नहीं सके, खुद के मन में वो विश्वास होना चाहिए कि भाई हमें ये करना है। जैसे हमने शुरुआत की थी कि भाई हमें इस समस्या को लेकर आगे जाना है और वो भी शॉर्ट फिल्म के माध्यम से, ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं थी और हम सीखते सीखते आज यहाँ तक आ गए कि और इसके आगे भी सीख रहे हम, तो यहाँ तक एक सबसे पहली बात है, सबको यही बोलना चाहूंगा जो आपके मन में कोई भी संकल्पना हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको करने के लिए आगे आने चाहिए, बस सोच के बैठना नहीं, कुछ तो भी ये मूवमेंट पहल करनी चाहिए, उस पर सोचना चाहिए कि भाई हम किस तरह से इसको कर सकते हैं, और आगे आए तो कुछ चीजें अपने आप सीखते जाते हैं, कुछ चीजें होती रहती है और उस तरह के लोग हमारे साथ जुड़ते भी और हमारा काम आगे बढ़ता है। तो सबसे यही कहूंगा कि भाई एक एक पैर आप आगे डालिए, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे उसके बाद। थैंक यू सो मच अर्जुन, किसी को कोई थैंक यू सो मच नितेश, अर्जुन और राकेश जी फॉर कमिंग हियर फॉर जॉइनिंग अस ऑन केवाई टॉक्स। आपकी जर्नी के बारे में जान के, उलगुलान फाउंडेशन और आदिवासी जन जागृति जो आपका प्रोजेक्ट है इसके बारे में जान के, आई एम श्योर मैं तो बहुत इंस्पायर हुई हूँ, हमारे ऑडियंस में से बहुत लोग इंस्पायर हुए हूँ। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।